हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुल्लू गुगू ऑफिशियल। मैं हूँ कृति, आप सबकी अपनी दोस्त। तो आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबको पता है कि मैं अभी किचन में हूँ, क्योंकि आप सबको मेरे किचन रेगुलर व्यूअर्स होंगे, उन सबको पता होगा कि मैं अभी किचन में हूँ। तो रेगुलर व्यूअर्स को ऐसा ही पता है कि मैं किचन में होती हूँ तो कोई रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए, जी हाँ, मैं आज एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि आज मैं जो बना रही हूँ ना, वो ऐसा लोगों का कहना है कि बहुत हेल्दी होता है। तो मैं आज बना रही हूँ मटर मशरूम। तो जिसके लिए मैंने ये देखिए 3 पैकेट मशरूम लिया था, और उसे छोटे छोटे इतने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है अच्छे से साफ करके। और इसे गर्म पानी में थोड़ी देर डाल दिए, गर्म पानी किया हुआ है। मेरे पास कोई बर्तन नहीं था खाली, क्योंकि आज मेड नहीं आई है तो बर्तन नहीं खाली है, तो इस वजह से मुझे इसमें कुकर में बॉयल इसे करना पड़ा। तो गर्म पानी में नमक डाल के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रही हूँ। ये थोड़ी देर इसे भी रहेगा, इसके बाद इसको और मैं अच्छे से वॉश करके इसको छन करके रख दूंगी। और मटर मशरूम बनाना है तो उसके लिए मैंने इधर मटर मंगवा लिया है, और ये मैं थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे भेजना है कहीं इसलिए। और उसके लिए मैंने लगभग 1.5 kg लिए प्याज कट करके बॉईल कर लिया है। इधर देखिए किचन में एकदम सिंक के पास मैं थी अभी, तो ये 1.5 kg के प्याज लगभग है बॉईल किया हुआ, मुझे जिसे फ्राई करनी है अभी। तो आगे की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो आप सब बने रहिए। और एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो मैं आगे आप सबको शेयर कर चुकी हूँ कि आप सबकी वजह से। तो आज मैं इस ब्लॉग में आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने आप ऐसे भी शॉर्ट्स पे बोल रखा है थैंक यू सो मच। आज जो भी मैं यहाँ पे हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आप सबकी वजह से हूँ। आप सब एक हमारी फैमिली हो, तो बस आप जो हमारी नई फैमिली बने हो, आप सबके बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। तो जी, मैं बात कर रही हूँ कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं यूट्यूब पे। तो जो भी मुझे अभी यहाँ पे देख रहे हैं, वो सब से रिक्वेस्ट है कि हमारे इंस्टा पे भी आप सब हमारे फैमिली बन सकते हैं। इंस्टा का आईडी है गुल्लू गुगू ऑफिशियल, तो आप सब वहाँ भी जाके, वैसे भी मैं यूट्यूब का अबाउट में डाला हुआ है इंस्टा फेसबुक का आईडी, तो आप सब वहाँ भी जाके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, मैं अपना खाना बनाती हूँ, और मटर मशरूम बनाना है मुझे अभी, तो मैं बनाती हूँ और आप सबके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही ईजी और हेल्दी रेसिपी है, तो आप सब बने रहिए, मैं बनाने चलती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो मैंने आप सबको दिखाया कि सब कुछ हो चुका है, पानी में था। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से वॉश करके ऐसे छन्नी में छान दिया है। ये ड्रेन करने वाला छन्नी है, तो मैंने इसमें से पानी पूरा, ये गिर रहा है, पानी है ही नहीं, ये देखिए पूरा पानी निकल गया। मैंने उसे छान दिया, और इधर कढ़ाई गर्म होने के लिए रखा था तो ये गर्म हो गया है। इसमें मैं प्योर देसी घी डालूंगी अभी, और घी में बनाऊंगी, क्योंकि तो मैं इसमें अभी प्योर देसी घी डालूंगी और घी में बनाऊंगी। तो मैं आप सबको पता है कि मेरा घी घर का बना होता है, मैं घर पे घी बनाती हूँ, वो है ये देखिए, ये है हमारा घी, और इतना सारा घी गिर गया अभी, बहुत बुरा हो गया। मुझे लगा नहीं पिघला होगा, बट ये पिघला था तो गिर गया, कोई बात नहीं, मैं उसे अभी साफ करूँगी। हे फ्रेंड्स, तो मैंने घी डाल दिया है और घी गर्म होने देते हैं। ये देखिए, मैंने इतना घी डाला है, इसे गर्म होने देते हैं, और उसके बाद इसमें मैं ये जो मशरूम कट किया हुआ है इसे डालूंगी भुनने के लिए। ये भुनेगा तो पानी छोड़ेगा, तो उतना देर भुनने के लिए इसे डालेंगे। तो चलिए, थोड़ा सा घी को गर्म होने देते हैं, और फाइनली घी गर्म ही हो गया है, इसमें मैं इसे डाल देती हूँ, नहीं तो फिर वो धुआं हो जाएगा। देखिए, मैंने इसमें इस सारे मशरूम को डाल दिया, और अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी मशरूम को। ये हल्का फ्राई होगा, रेड रेड हो जाता है मशरूम भूनने पर, तो इतना देर मैं इसे भूनूंगी, उसके बाद आगे की प्रोसेस आप सबको दिखाती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो ये देखिए, फाइनली ये अच्छा भून चुका है, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हो गया, और ये बहुत ज़्यादा तेल नहीं अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है। देखिए, सारा घी मेरा बाहर ही है, बस उस टाइम पूरा घी को सोख लिया था, लेकिन ये पूरा घी छोड़ दिया है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो इसमें इतना घी है, और इसी में तेल डाल देते हैं प्याज और उस सबको फ्राई होने के लिए।
तो तेल गर्म होने देते हैं, तब तक इसमें मुझे जो भी डालना है खड़ा मसाला वो मैं निकालती हूँ और दिखाती हूँ आप सबको कि क्या क्या डालना है मुझे। सो हे फ्रेंड्स, तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है और मैंने इसमें डालने के लिए निकाला है तेज पत्ता, 2 टुकड़ा दालचीनी का, 5 लौंग, 5 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची और 4-5 लाल मिर्चा खड़ा सूखा हुआ। तेल गर्म है तो इसमें मैं सबसे पहले डाल देती हूँ तेज पत्ता। तेज पत्ता जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो जाएगा मैं इसमें बाकी जो खड़ा मसाला है ये वो डाल दूंगी। और ये देखिए ये तड़क रहा है अभी, तो ये गर्म हो और ये हो रहा है, फूट रहा है, तो मुझे अब इसमें जीरा डालना है। तो मुझे जीरा बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी सब्ज़ी में जीरा डालती हूँ। बहुत लोगों को कम जीरा पसंद होता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आपको कितना पसंद है उसके अकॉर्डिंग डालें। और ये सब कुछ हो चुका है तो मैं इसमें जो लाल मिर्चा था वो भी डाल दूँगी और ये लाल मिर्चा हल्का सा रेड होगा तभी मैं इसमें प्याज ला के डालूँगी। तो चलिए मैं प्याज ले आती हूँ और प्याज को डाल देते हैं इसमें। मैंने प्याज था वो ले आई और प्याज भी डाल दी हूँ इसमें ये देखिए। और अब मुझे प्याज को एकदम रेड भूनना है, ऐसा नहीं कि ये प्याज को गल ही जाएगा तो मतलब भूनना नहीं है, इसे जितना भूनेंगे सब्जी की टेस्ट उतना ही बढ़ेगा, तो इसे अच्छे से भूनना है। तो मैं भूनती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ आप सबको। हे फ्रेंड्स, तो ये देखिए फाइनली प्याज हमारा एकदम रेड भुना चुका है और अब बारी आती है इसमें मसाले डालने की। तो ये है हमारा अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट जो मैंने अभी अभी बस पीसा है, वो भी आधा ही पीसा हुआ है। तो ये देखिए मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट। सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ा ही इसकी पेस्ट को। अब मैं इसे अच्छे से भूनूंगी और प्लीज़ मेरे किचन को इग्नोर कीजिएगा, मैंने पहले भी बताया कि हमारी मेड नहीं आई है, इस वजह से किचन थोड़ा मैस हो रखा है। बस मैं अभी खाना बना दूंगी जल्दी क्योंकि मुझे मैंने पहले बताया कि मुझे भेजना है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी देर में जल्दी हूँ। खाना भेजने के बाद मैं अपना किचन को एडजस्ट कर लूँगी। चलिए मैं पहले खाना बनाती हूँ और अब पहले इस मसाले को अच्छे से भूनूंगी, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। हे फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा अदरक लहसुन मिर्चा और प्याज जो था वो सारा भूनकर रेडी हो चुका है। तो इसमें मुझे अब डालना है मसाला, तो मसाला पाउडर में डाल रही हूँ जीरा और काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और 2 चम्मच डाल दे रही हूँ और साथ में मैं डालूंगी हल्दी और ये देखिए हमारा हल्दी और जीरा मिर्च मैंने इसमें डाल दिया है, बाकी के मसाले और डालने हैं अभी मुझे। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये देखिए कश्मीरी मिर्च का पाउडर है जो बस कलर के लिए डालना है, और मैं धनिया पाउडर नहीं खाती इसलिए मैंने इसमें धनिया नहीं डाला, तो ये मैंने कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल दिया। और साथ ही साथ मैं हमेशा मशरूम में मीट मसाला डालती हूँ, तो ये एवरेस्ट का मीट मसाला है, 1 पैकेट इसे डाल दे रही हूँ। ये देखिए मैंने ये डाल दिया 1 पैकेट और अब इन सबको अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद मैंने चॉप करके टमाटर रखा है, तो ये सब भूनने के बाद मैं टमाटर को डालूँगी। तो थोड़ी मैं बिजी हूँ इसलिए अच्छे से मैं नहीं रेसिपी शेयर कर पा रही हूँ, जैसे नॉर्मल लोग खाना बनाते हैं मैं वैसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने इसे फ्राई करती हूँ उसके बाद मिलती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो ये हमारा लगभग 250 ग्राम से ज़्यादा ये चॉप किया हुआ टमाटर है, मैं इसे इसमें डाल देती हूँ क्योंकि ये टमाटर गलने में थोड़ी सी टाइम लेगी, तो मैं इसे इसमें डाल दे रही हूँ और इसे मिक्स करके थोड़ी सी कम दम लो फ्लेम पर रख देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और टमाटर गलने के लिए मुझे इसमें नमक डालना पड़ेगा, तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने इसमें मटर डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है और साथ ही साथ नमक डाल दिया ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स करके एकदम लो फ्लेम पे रखती हूँ ताकि ये जल्दी से आसानी से गल जाए। उसके बाद मुझे इसमें मटर डालनी है, तो टमाटर गलने के बाद मैं इसमें मटर डालूँगी
हे फ्रेंड्स, मेरी हालत देख सकते हैं गर्मी से कैसे हो रही है। सो और मैंने टमाटर गल चुका था तो मैंने इसमें मटर डाल दिया है। अब मटर को और मसाले को लगभग 15-20 मिनट भून लेते हैं। हे फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा फाइनली मसाला पूरा भून चुका है, मतलब प्याज मटर टमाटर जो भी था मैंने मशरूम में डालने के लिए मैंने किया था वो पूरा भून चुका है। तो अब इसकी बस मेन इंग्रेडिएंट्स हमारा बचा है डालने के लिए। तो मैं भूनते टाइम में ही गरम मसाला डालती हूँ, तो मैं 2 चुटकी गरम मसाला डाल दे रही हूँ। ये घर का बनाया हुआ गरम मसाला है। तो चलिए अब मैं इसे थोड़ी देर और भून लेती हूँ 5 मिनट, और उसके बाद इसमें मशरूम डालूंगी, तो मैं दिखाती हूँ आप सभी को। हे फ्रेंड्स, तो लगभग 2 मिनट हो गए मुझे गरम मसाला डाले हुए। तो ये हमारा जो मशरूम मैंने भून के रखा था वो मैं इसमें डाल देती हूँ, और थोड़े 2 से 4 मिनट मशरूम को भी इसके साथ भून लेते हैं, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। हे फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा सब्जी फाइनल एकदम भून कर रेडी हो चुका है। तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, और पानी डालने के बाद इसे उबलने देते हैं तेज आंच पर। और बहुत ज़्यादा मुझे इसकी ग्रेवी नहीं रखनी है, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे ये सब्जी मैं इसलिए ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे ट्रैवल में लोग चल रहे हैं उनको देना है। तो चलिए मैं फाइनली बता देती हूँ कि मैं ये इतना सारा सब्जी क्यों बना रही हूँ। मैं तो 2 ही लोग हूँ, 3 ही लोग हूँ। गुगू तो अभी ये सब खाता नहीं है, गुल्लू तो थोड़ा बहुत खाता भी है। तो जी मैं बना रही हूँ भाई के लिए। भाई घर से सुबह सुबह निकल चुका है वो, और उसके बहुत सारे दोस्त लगभग 6-7 लोग हैं, वो लोग सब लोग जा रहे हैं माता रानी के दरबार, माँ वैष्णो देवी जा रहे हैं सब लोग। तो मैंने बोला था कि लखनऊ आओगे तो मैं खाना दे दूंगी बनाकर, तो उनके लिए बना रही हूँ क्योंकि भाई को मशरूम पसंद है इसलिए। चलिए इसे बॉयल होने देते हैं, तब तक मुझे और भी काम है वो मैं कर लेती हूँ। बाकी ये सब्जी बनता है तो मैं दिखाती हूँ इसकी पूरी स्ट्रक्चर कैसी है। सो हे फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारा सब्जी बनकर रेडी हो गया। मैं उधर कढ़ाई में था तो मैंने अभी भी कढ़ाई में, बट मैंने उधर नहीं शूट करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा, पैर में दर्द भी हो रहा है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख दी थी ये हमारा मटर मशरूम। कैसा लग रहा है देखने में ये आप सब कमेंट करके बताइएगा, और खाने में कैसा लगेगा वो जब भाई लोग खाएगा तो वो बताएगा। तो मुझे खाना पैक करना था तो मैं पैक करने के लिए बैठी हूँ, इसलिए यहाँ पे ठंडा होने के लिए रखी थी। इधर देखिए साथ में मैंने चावल दिया है और सैलड ऐसा सब कुछ दिया है, पूड़ी वड़ी देना है तो वो उधर पैक कर दी हूँ। बस सब्जी को पैक करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को यहाँ पे इन कर लेते हैं, आप सबको बता देते हैं कि मेरा मटर मशरूम बन गया है। और मैंने कोई शेफ की तरह या फिर कोई बस कुकिंग चैनल वालों की तरह नहीं बनाया, अच्छे से आप सबको रेसिपी मैं शेयर कर पाई हूँ। नॉर्मल जैसे घर में खाना बनता है मैंने वैसे रेसिपी शेयर किया है, तो एक बार ज़रूर इस रेसिपी से बनाइएगा और आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आप सबका कैसा बना। सो तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर इन करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और एक बार फिर से थैंक यू सो मच हमारे 5,000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। तो बाय, टेक केयर।